YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। सूर्य उपासना का पर्व छठ को लेकर डालटेन का मुख्य बाजार पूरी तरह से सज चुका है। खरीदारी को लेकर लोगों का बाजार पहुंचना कुछ दिन पूर्व से ही जारी है। बाजार क्षेत्र में शायद ही कोई गली हो जहां फुटपाथी दुकान न सजी हो। छठ व्रत में प्रयुक्त पूजन सामग्रियों से सजी दुकानों पर लोगों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पर्व की निकटता को देखते हुए लोग समय रहते पूजन सामग्री की खरीद कर लेने को आतुर हैं। बांस निर्मित सूप दवरों की खरीदारी के लिए डालटेन शहर की घास पट्टी स्थित दुकानों पर लोगों का पहुंचना अनवरत जारी है। लोग मोल भाव करते देखे जा रहे हैं। इसी तरह से कुम्हार पट्टी में भी मिट्टी के बर्तन खरीदारी के लिए लोगों का पहुंचना जारी है। ढकना और दिए की खरीद करने में लोग पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। यही हाल फल दुकानों की भी है। फलों के भाव ऊंचे होने के बावजूद भी खरीदारी के लिए आपाधापी जारी है। मौसमी फल व सब्जियों से सजी फुटपाथी दुकानों पर ग्राहकों का भीड़ उमड़ना जारी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो महंगाई पर आस्था भारी पड़ती दिख रही है। आस्था से जुड़ा छठ महापर्व मंगलवार को नहाय खाय के साथ शुरू हो जाएगा। इस पावन मौके पर पवित्रता और शुद्धता के साथ पकाई गई कद्दू भात ही भोजन के रूप में ग्रहण करने की परंपरा चली आ रही है और इसे देखते हुए कद्दू की आवक डालटेन बाजार में लगभग पर्याप्त मात्रा में रही। 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहे कद्दू की खरीदारी को लेकर सोमवार को काफी गहमागहमी का माहौल रहा। उपज अच्छी होने के बावजूद भी कद्दू का भाव आशानुरूप नहीं रहा। सोमवार के बाजार में कद्दू दिन भर इठलाती रही।